अपनी रोजाना जिंदगी में हम इतने बिजी हैं कि हमें नहीं पता होता कि हम कितने स्ट्रेसफुल, डिप्रेस्ड या हमें शारीरिक कोई तकलीफ है या नहीं। मेरी माने तो जरूर शाम को घर में आकर एक बार 10 मिनट शांत मन से खुद को दे और महसूस करे अपने शरीर के हर अंग को कि क्या वो सही से काम कर रहा है। जी बिल्कुल, ये थी मेरी तरफ से आपके लिए एक जरूरी सलाह। चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर में होने वाली दिक्कतों की, जिनमें सबसे बड़ा किरदार निभाते हैं वात, पित्त और कफ। वात और पित्त के साथ शरीर में कफ का संतुलन सही होना जरूरी है, लेकिन इनसे बचने के लिए आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करना होगा जो कफ पैदा करती हैं या कफ को बढ़ा सकती हैं। आइए जानते हैं कौन सी चीज़ें कफ में न खाएं और किन चीज़ों का सेवन करें। पहला, वसायुक्त चीज़ें। वसायुक्त चीज़ों का सेवन कफ बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए जितना हो सके इनसे बचने की कोशिश करें। दूसरा, दूध। दूध कफ को बढ़ाता है। अगर आपके कफ प्रकृति है तो आपको दूध का सेवन कम से कम करना चाहिए या फिर हल्दी के साथ इसका सेवन करें। तीसरा, मांस। कफ बढ़ने पर मांस का सेवन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए कफ होने पर मांस का सेवन करने से बचें और अगर कफ के तासीर हो तो मांस का सेवन कम से कम करें। चौथा, मक्खन। मक्खन में वसा अधिक होता है, इसलिए कफ बढ़ाने का काम करता है। कफ की समस्या में मक्खन या मक्खन युक्त चीजों का सेवन न करें। पांचवा, पनीर। पनीर से कफ तो बनता ही है, कई लोगों को पाचन संबंधी समस्या भी हो सकती है क्योंकि कुछ लोगों को पनीर आसानी से नहीं पचता, इसीलिए अति सेवन न करें। क्या खाएं? पहला, सुबह या दिन के भोजन के बाद गुड़ का सेवन फायदेमंद हो सकता है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, ये कफ को कम करने के साथ ही पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। दूसरा, तुलसी, सौंठ, अदरक और शहद जैसी चीज़ों का सेवन कफ को कम करने में बहुत फायदेमंद होता है, तो इन्हें किसी भी तरह से डाइट में शामिल करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सेहत से जुड़ी अर्थ प्रकाश के माध्यम से ये जानकारी बेहद फायदेमंद लगी होगी। तो देर ना करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।